एक युवा शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपको राजस्थान के राजस्थान जिले के बामन टुकड़ा के एक ऐसे युवा शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। ऐसा युवा समाजसेवी प्रकाश जी प्रजापति हमारे साथ हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रकाश जी, सबसे पहले एक युवा शख्सियत कार्यक्रम में आपका धन्यवाद और स्वागत। जी नमस्कार, धन्यवाद। प्रकाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रकाश प्रजापति जो गांव की गलियों से निकलता है और माया नगरी मुंबई आकर एक सफ़र की शुरुआत करता है और आज एक प्रजापति समाज के साथ साथ दूसरे समाज के युवाओं के लिए भी एक मैसेज, एक हार्ड वर्क, कठिन संघर्ष करने की प्रेरणा छोड़ जाता है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी सफ़र की शुरुआत कब हुई? जी मुंबई में मैं कम से कम, मेरे को 12 साल यहाँ के हो गए और यहाँ आने के बाद मैंने दूध का व्यवसाय शुरू किया। मैंने देखा कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, समाज से जुड़ा, काफ़ी समाज के लोगों को जोड़ा और समाज को आगे बढ़ाया। युवाओं को तो हम एक कंधे से कंधा लेकर उनके चलते हैं, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, और इसलिए उनका हमारे ऊपर भरपूर सहयोग रहता है और विश्वास रहता है। लोगों को, युवाओं को जोड़ना, आगे लाना और आगे बढ़ाना समाज को। अमूमन देखा जाता है कि लोग मुंबई में आते हैं, उनके जो है आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं उनके खास दोस्तों का, रिश्तेदारों का एक योगदान होता है, तभी वो आदमी प्रगति करता है, विकास करता है, क्षेत्र चाहे कोई भी हो। तो आप पत्रकारिता के भी क्षेत्र में आए, समाज सेवा के भी क्षेत्र में आए, तो अपने कुछ ऐसे खास दोस्तों के बारे में जिक्र करना चाहेंगे जो आपके जीवन में बहुत ही अहमियत रखते हों आपको आगे बढ़ने में। जी हमारी एक मित्रता हुई दोस्त है, कैलाश जी चौधरी करके, फिल्म निर्माता और निर्देशक भी है, उन्होंने बहुत सारी फिल्में भी बनाई हैं, तो उनसे और मेरा बहुत लगाव और मेरे मार्गदर्शन भी वही है। तो आपकी ऐसी कार्य करने की क्षमता और प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि जो आप रात दिन समाज के लिए जी जान से जुटे रहते हैं, कभी बामन टुकड़ा में नज़र आते हैं सामाजिक कार्यों में तो कभी मुंबई में? जी मैं यही चाहता हूँ कि चाहे समाज का कार्यक्रम हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, तो कार्यक्रम को एकदम अच्छा बनाने की सोचता हूँ, ताकि लोगों में अच्छा संदेश जाए। आपकी सफलता का राज क्या है कि जो आप दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं? सफलता का राज तो सबसे पहले तो मेरे माता पिता का संस्कार और आशीर्वाद, और गुरु का आशीर्वाद, और मेरे भाइयों का आशीर्वाद, उससे सब कुछ है। आपकी तरफ से समाज के लिए क्या कुछ संदेश या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो समाज से यही है, युवाओं से यही मेरा निवेदन है कि समाज को तन मन धन से एकदम आगे बढ़ाओ और समाज को ऊंचाइयों तक पहुँचाओ और समाज में कुछ अच्छा नया करो और विकास करो समाज का। कोई ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहेंगे ताकि समाज अधिक से अधिक आपसे, समाज से जुड़ सके? जी कंधे से कंधा मिलाकर समाज में अच्छा को कार्य करे, सामूहिक विवाह, लगन, माँ सम्मेलन करे, स्नेह सम्मेलन करे, कुछ नए प्रोग्राम होवे। क्या इस प्रकार के सामूहिक विवाह वगैरह कराने का आपकी कुछ इच्छा है दिल्ली? मेरी इच्छा है एक बार राजस्थान में तो होता ही ना, हम चाहे एक बार मुंबई में सामूहिक विवाह बड़े स्तर पर होवे। भविष्य में कुछ आपकी संस्थाएं भी बनाना चाहेंगे? मेरे मन में विचार, बहुत दिनों से विचार है कि हम एक राष्ट्रीय महासभा का गठन करने का विचार है और वो बहुत ही जल्द करेंगे। भारतवर्ष में रहते हैं प्रजापति समाज के लोग, एक मंच पर आए और उनको जागृत करें। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।